नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज हम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा पे आप माँ की धूप हवन कैसे करेंगे यानी कि धूप हवन सामग्री के बारे में जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। धूप हवन, देखिए धूप हवन ना हर कोई कर सकता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़े तौर पर धूप जो हवन आदि होता है, मतलब जो मूल हवन आदि होता है, वो तो सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए जो है आपको उस प्रक्रिया को बहुत सही तरीके से सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अब मुझे मेल करके बहुत सारे लोग ये कहते नहीं, हम तो हवन करते हैं घर पे, जो है हम जो है हवन कुंड लगाते हैं और उसमें जो है जलाकर हम आहुति आदि प्रदान करते, तो वो भी सामग्री आहुति हवन होता है, उसे सामग्री हवन कह सकते हैं या फिर जैसे कि मैं धूप हवन कहता हूँ, तो ये भी उस प्रकार से जो है वो सामग्री हवन होता है। हवन या फिर होम करने की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से दोस्तों, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जैसे कि नामाग्नि में जो है सबसे पहले जो है नामाग्नि को पूजन करना होता है। नामाग्नि का अर्थ होता है अग्नि को यहाँ पर मुख्य माना जाता है, और जिस भी देवी देवता को हम हवन कर रहे हैं, जैसे कि सरस्वती नामाग्नि, दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा नामाग्नि, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो महालक्ष्मी नामाग्नि, जगधात्री पूजा कर रहे हैं तो जगधात्री दुर्गा नामाग्नि, अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं तो माहेश्वरी अन्नपूर्णा नामाग्नि, हर प्रकार के नामाग्नि में जो है आहुति प्रदान किए जाते हैं। आप धूप हवन में भी नामाग्नि में आहुति प्रदान कर सकते हैं, पर जो है जो होम या हवन की पूर्ण प्रक्रिया होती है वो थोड़ा और भी कई विस्तृत होता है, क्योंकि उसमें जो है ना सर्व देवी देवताओं के आवाहन आदि होते हैं, उनके नाम से भी दिए जाते हैं, जो ग्राम देवता आदि होते हैं उनके नाम से भी दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कैसे कर पाते हो वो घर पे मुझे नहीं पता। यज्ञ जो है वो एक बहुत बृहद प्रक्रिया होता है दोस्तों। यज्ञ शब्द ही जो है, मतलब यज्ञ जो अग्नि कार्य जो है वो एक बृहद कार्य है, और वो उस तरीके से जो है अपने आप घर पे नहीं किए जा सकते हैं। उसके लिए जो है ना कई जानकारों की जानकार अर्थ जो है, यज्ञ हमेशा जो है सप्तऋषि द्वारा, आपने देखे होंगे जैसे कि टीवी सीरियल आदि में भी आप लोगों ने शायद इसका झलक देखा होगा, और अगर आप लोगों ने रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं सही तरीके से तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ कराए जाते थे। तो यज्ञ में जो है ना समवेत तरीके से बहुत सारे जो ऋषि और उनके जो जानकार होते थे, जो मंत्र के जानकार होते थे, उन विधियों के जानकार होते थे, वो समवेत तरीके से जो है वो आहुति प्रदान करते थे। यज्ञ आहुति जो है वो एक प्रकार से बैठकर नहीं दिए जा सकते, यज्ञ आहुति जो है आपको खड़े होकर देना होगा। खड़े होने का भी एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खड़े होकर ही बस आहुति दे रहे तो वो यज्ञ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हर पद्धति का ना एक अपना अपना विषय होता है। तो हम घर पे जो साधारण तौर पे जो करते हैं, हम शायद मैं यहाँ पर धुनुची में दिखा रहा हूँ या पर धुनुची में करता हूँ, और आप लोग जो है एक जो हवन कुंड है वो उसमें आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग पूर्ण हवन कर रहे हैं। नहीं, पात्र से इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मतलब हम किस पात्र में कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर एक विषय हो जाता है। होम भी अगर हम पूर्णता कर रहे हैं तो वो भी एक बृहद प्रक्रिया होती है, कम से कम आपको एक डेढ़ घंटा जो है वो पूर्णता करने में लग सकता है। और यज्ञ की तो मैं यहाँ पर बात ही नहीं, यज्ञ की यहाँ पर कोई बात ही नहीं होगी, यज्ञ एक बृहद प्रक्रिया है। यज्ञ के विषय में यहाँ पर कोई बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जो है हमारे यहाँ पर करना, अभी जो है हम जिस जीवन पद्धति में रहते हैं वहाँ पर यज्ञ करना सच में कितना संभव है, कई आश्रम आदि में संभव हो सकता है, पर गृहस्थ में यज्ञ आदि करना सच में बहुत मुश्किल का कार्य है। इसलिए देखिए हमारे शास्त्रकार जो है वो कितना दूरदर्शी थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा है कि नित्य अग्निहोत्र, आप जो है ये जो सामग्री आदि से नित्य अग्नि कर्म या फिर अग्निहोत्र या धूप हवन जो कुछ भी आप बोल लीजिए वो आपको करना चाहिए। अग्निहोत्र को जो है और उसे जो है वैदिक पद्धति में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, और ये जो धूप आदि धूप आपका निवेदन बोल लीजिए, धूप आहुति बोल लीजिए या फिर धूप आरती आदि, इसे जो है हमारे आगम में जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। विषय जो है वो एक ही है। तो हर दिन जो है जो गृहस्थ लोग है वो ये अग्निहोत्र या फिर धूप आदि के माध्यम से पूजा कर पाएंगे,
इतने बड़े आयोजन से वो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे ऋषि मुनि जो है उस समय भी जो है इस विषय को अपनी दूरदर्शिता से कितना सुंदरता से देखे थे, तभी जो है उन्होंने हमारे लिए इन विषयों को भी कहा है कि गृहस्थों के लिए ये कार्य है। गृहस्थ जो है वो संपूर्णता से, जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यू प्रोसेस से जो है वो हमेशा करते जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेद नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेद का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की कभी कोई बाधा नहीं होगा या फिर बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो अग्निहोत्र प्रक्रिया या फिर जो धूप हवन प्रक्रिया, ये सभी लोग कर सकते हैं, बहुत सहज और सरलता से कर सकते हैं। इसमें एक विषय आ जाता है, देखिए दोस्तों मैं आपको सामग्री का केवल नाम बताकर जो है ना एक वीडियो कंप्लीट कर सकता हूँ, उसमें शायद 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा कि, पर ये सारे कन्फ्यूशन अगर दूर नहीं किया जाए, कन्फ्यूशन से ज़रूरी बात है कि इन सारे विषयों के ऊपर अगर बातें ना की जाए तो हो सकता है कि आपको जो है, आपको सामग्री के विषय में तो पता चल गया, पर ये सारे विषय जो है आपकी जानकारी के अभाव में जो है आप उस विषय को पूर्णता ना कर पाए। तो इसलिए मेरा वीडियो बड़ा ही होता है और इसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा धीरज से सुनना होगा। आप अगर जो है पूजा पद्धति और इन सारे विषयों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और उसके बाद इसे करना चाहते हैं, तो आपको अपने धीरज के साथ जो है ना थोड़ा सा जो है मेहनत करके इसे सुनना पड़ेगा दोस्तों। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता, शॉर्टकट में जो चीज़ आप सीखेंगे वो शॉर्ट में ही रह जाएगा और कुछ दिन बाद वो भी शॉर्ट से बिल्कुल आउट हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा एकदम। तो इसलिए जो है हमेशा थोड़ा मेहनत से इन सारी चीज़ों को समझना और धीरज के साथ जो है सुनना ज़रूरी होता है, तभी जो है इन्हें आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे जाकर क्या पता दोस्तों, आगे जाकर आप खुद जो है किसी को इन सारे विषयों के बारे में बता पाएंगे। तो यहाँ पर धूप हवन की, जैसे कि मैंने आपको बताया अग्निहोत्र आदि के विषय में, तो हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारी सहज सरल हवन बोल सकते हैं आप, धूप हवन बोल सकते हैं या फिर धूप अग्निहोत्र कर्म भी आप इसे कह सकते हैं एक प्रकार से जो है। कई जगह पर इसका जैसे कि कहा जाता है कि धूप अग्निष्टम यज्ञ स्वरूप होता, मतलब धूप कार्य को जो है अग्निष्टम यज्ञ स्वरूप कहा गया है, राजस्व यज्ञ स्वरूप कहा गया है, पुराणों में इसका काफ़ी वर्णन मिलता है। इसके अर्थ यही है कि यज्ञ आदि जो है वो तो हमारे इस समय करना संभव नहीं है, बट अगर हम इन सारे कार्य को भी करते हैं तो उससे भी जो है हमें उस यज्ञ फल ही मिलता है। तो यही जो है ना दोस्तों, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं रह जाता या फिर कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है कि यज्ञ जो कार्य हम कर रहे हैं, अब अगर हम धूप हवन भी संपूर्णता से कर रहे हैं तो हमें जो है उसका संपूर्ण फल मिलेगा। हम धूप आरती कर रहे हैं सही तरीके से तो उससे भी हमें जो है संपूर्ण फल मिलेगा। स्वाहा के बारे में यहाँ पर आते हैं, स्वाहा बोलने में कई सारे आप लोग कहते हैं कि क्या हम स्वाहा बोल सकते हैं। देखिए ये धूप हवन है तो इसमें जो है आप नमः निवेदयामि बोल सकते हैं और स्वाहा भी बोल सकते हैं। 2 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था शुरू शुरू में, तो मुझे भी इन सारे विषयों पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूशन होता था। उसके बाद जब मैं इन चीज़ों के बारे में जानता गया, पढ़ता गया और ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि देखिए जब किसी को जो है ना किसी को बताना होता है किसी विषय के बारे में, तब जो है उन्हें उन विषय के ऊपर स्टडी करना पड़ता है, उन विषय को जानकर जो है दूसरों को बताना पड़ता है। तो जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो इन सारे विषयों के ऊपर और भी स्टडी करने का जो है ना मेरा और भी इच्छा, मतलब उत्साह जो है वो बढ़ गया। तो उन सारे विषयों को जब मैंने जाना तो स्वाहा जो है वो सभी लोग बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप जो है साधारण तौर पर अगर धूप हवन कर रहे हैं तो अगर आप कह रहे हैं कि श्री श्री भगवती भगवती शारदा सरस्वती देवी स्वाहा कहते हुए आप हवन सामग्री या धूप सामग्री जो है धूप हवन सामग्री जो है आप दे रहे हैं युति में या पर जो है प्रज्वलित अग्नि में जो है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धूपाग्नि में आप जो है स्वाहा मंत्र के साथ आहुति दे सकते, समस्या नहीं है। पर सबसे अच्छा होता है अगर आप गायत्री मंत्र का उपयोग करते हुए जो है इन स्वाहा का प्रयोग करें। गायत्री मंत्र का अर्थ है यहाँ पर माँ सरस्वती के जो गायत्री मंत्र है उसका प्रयोग करना है। यहाँ पर जो है ना आपको मूल गायत्री के विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र के
साथ जो है आप अगर स्वाहा शब्द कहते हैं, नमः निवेद्यामि भी कह सकते हैं दोस्तों, पर गायत्री मंत्र के साथ अगर आप जो है वो कहते हैं माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र के साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं हम मूल विषय सामग्री के ऊपर, ये सभी के सभी जो है मूल विषय ही है। तो धूप सामग्री में, धूप हवन सामग्री में जो है इसे ना बहुत सारे लोग, एक जन ने मुझे कहा कि हम जो है वो बड़े वाले जो धुनची पात्र जो हम घर पे बनाकर जो है हम कर सकते हैं या नहीं, मतलब मिट्टी के धुनची शायद वो घर पे बनाकर करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप अगर घर पे, आपके घर पे अगर उस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि मिट्टी से आप बनाकर कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। पीतल का देखिए, हम लोग जैसे कि शहर में रहते हैं तो पीतल के चीज़ें जो है ना हमारे लिए, क्योंकि मिट्टी के वो सारी चीज़ें जो है उन्हें या तो पानी में जो है बहाना पड़ता है या फिर जो है गार्डन आदि में उसे जो है गाड़ देना पड़ता है। पर क्या होता है यहाँ पर, ना तो पर्याप्त मात्रा में उतने मिट्टी की गार्डन आदि की व्यवस्था हर जगह पर है, ना ही यहाँ पर वैसे पानी है। वैसे हमारे यहाँ पर गंगा तो है, जैसे हमारी पास में ही गंगा है, पर मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जाकर बहाना, क्योंकि इससे जो है ना बहुत प्रदूषण होता है। तो पीतल जो है उस हिसाब से अगर हम जो है खरीदते हैं तो हम बस साफ कर लेते तो अच्छा होता है। तो मैं ये इस हिसाब से ही जो मैं करता हूँ, मैं उस हिसाब से आपको कहता हूँ कि आप लोग अगर पीतल की धुनची में करना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा सही होता है ये, क्योंकि मैं भी करता हूँ उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। तो उसमें जो है आपको सामग्री में जो है आप गुगुल घृत जो जौ होते हैं, माता सरस्वती की पूजा में अगर आप जौ जो उपयोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद तिल जो है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुंद पुष्प का आप उपयोग कर सकते हो, उसके साथ साथ जो पलाश के जो पुष्प होते हैं, पलाश के पुष्प होते, एक होता है थोड़ा नारंगी टाइप का पलाश के पुष्प होते, एक जो होते पीली टाइप के पलाश के पुष्प होते, और एक जो होते ना लाल टाइप के पलाश के पुष्प होते, और एक सफ़ेद भी होता, नहीं एक नारंगी टाइप का होता है, एक सफ़ेद होता है, एक जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो पीले रंग के अगर आपको पलाश के पुष्प जो है वो मिलता है, मैं एक्चुअली जो रक्त जो करबी पुष्प कहा जाता है, एक लाल होता है एक सफ़ेद होता है, उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोस्तों। तो पलाश के पुष्प जो है तीन रंग के होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद वाले बहुत कम दिखते हैं वैसे, पीले और जो नारंगी टाइप का होता है वही ज़्यादा दिखता है। अगर आपको नारंगी मिलता है, नारंगी ज़्यादा मिलता है वैसे, तो नारंगी अगर आपको मिल जाता है तो वही आप उपयोग कर सकते हैं, वरना जो है आप जो है जो पीले वाले अगर आपको मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। माता सरस्वती को पलाश के पुष्प और कुंद पुष्प जो है, ये दो पुष्प जो है ना वो बहुत प्रिय होते हैं, तो इसलिए जो है आप इन दोनों को जो है अगर धूप हवन में उपयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आप जो है कृत मिश्रित बिल्व पत्र जो है वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। राल, अच्छे वाले जो राल है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे वाले राल जो है वो आपको इस्तेमाल करना। तो देखिए आप जो एक काम कर सकते हैं, जैसे कि राल आप मात्रा में ले लीजिए, राल ले लीजिए, उसके साथ जो है दो चम्मच जो है आप राल ले रहे हैं, और उसके साथ जो है दो चम्मच आप गुगुल ले रहे हैं, उसके साथ जो है आप जौ जो है, जौ की मात्रा इसमें ज़्यादा रखिए, चार चम्मच जो है उसमें आप जौ की मात्रा रखिए, चार या तीन चम्मच जो है आप जौ की मात्रा रखिए, और उसमें से आप जो है एक चम्मच जो है आप जो सफेद वाले जो तिल है वो आप मिला सकते हैं, सफेद वाले तिल जो है वो आपको मिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो पीली सरसों होते हैं वो भी जो है सरस्वती पूजा के हवन में जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं, पीली सरसों जो है, तो वो भी उसे सिद्धार्थ कहा जाता है दोस्तों, सिद्धार्थ जो है ना, क्योंकि सिद्धि के लिए माना जाता है कि पीली सरसों से अगर हवन की जाती है तो हमें पढ़ाई आदि में जो है ज्ञान के पथ में जो है हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए आप जो है उन पीली सरसों का भी अगर उपयोग करना चाहते तो आप कर सकते हैं। उसमें जो है घृत जो है वो आप इस्तेमाल करिएगा, उसके साथ साथ शहद जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ जो है आपको
कमलगट्टे के बीज भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कमलगट्टे के बीज भी जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और कुंद पुष्प, पलाश के पुष्प और बेलपत्र अगर चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पर सरस्वती पूजा में बेलपत्र से हवन आदि नहीं किए जाते, वहाँ पर ये जो कुंद पुष्प या फिर जो पलाश के पुष्प होते हैं उससे ही आहुति प्रदान किए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में आप देखते हैं ना कि मूल मंत्र के साथ जो है जो बेलपत्र घृत मिश्रित करके आहुति दिए जाते हैं, तो सरस्वती पूजा में कुंद पुष्प या पलाश के पुष्प के साथ जो है ना आहुति दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारे सामग्री को एकत्रित करके जो है, पुष्प आप एकत्रित मत करिएगा, पुष्प जो है वो अलग से जो है आप घृत के साथ, मान लीजिए 8 आपने पलाश के पुष्प या 8 जो है कुंद पुष्प जो है पलाश के पुष्प आपको मिल जाएंगे दोस्तों, समस्या नहीं होगा। शायद अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे तो पलाश के पुष्प मिल जाएंगे। तो पलाश के पुष्प जो है वो घृत में डुबोकर जो है ना आपको, मतलब घृत मिश्रित करके जो है वो आपको देना है माता सरस्वती के मंत्रों के साथ आहुति, और उसके पहले जो है आपको इस सामग्रियों का आहुति देना है। सामग्री अर्थात जो बिलीराल है वो आपको लेना है, आपको जो है गोकुल लेना है, आपको जो है जौ लेना है, आपको जो है तिल लेना है, अगर पीली सरसों लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ घृत, शहद और उसके साथ साथ जो है आपको जो कमल गट्टे हैं वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मिश्री आदि का भी प्रयोग करते हैं, तो मिश्री आदि अगर प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर हम शहद प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अगर मिश्री आदि का प्रयोग नहीं करते तो उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपको व्यवस्था करना है माँ सरस्वती के धूप हवन सामग्री के, इन सारी सामग्रियों की आप व्यवस्था करके माता सरस्वती के, एक विषय याद रखिएगा, आपको दूसरी चीज़ें नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको सफ़ेद तिल नहीं मिल रहे हैं, आपको जो है पीली सरसों नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं, आप जो है जौ जो है गुग्गुल जौ और उसके साथ साथ जो पीली लाल है और घृत जो है ये कम से कम, और कमलकट्टे के बीज भी जो है वो आपको मिल ही जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को आप उपयोग करने की अवश्य कोशिश करिएगा दोस्तों। ये जो है ना बहुत अच्छा रहेगा सरस्वती पूजा के धूप हवन सामग्री के तौर पर जो है, और इससे ही जो है आप माँ के गायत्री मंत्र के साथ आहुति प्रदान कर सकते हैं, और उसके बाद जो है जो पुष्प कुंद पुष्प या फिर जो पलाश के पुष्प है उसे भी घृत में चर्चित करके, यानी कि घृत में डुबोकर जो है आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। ये जो है ये बहुत ही सुंदर होता है, ये धूप हवन जो है ये भी आप अगर करते हैं ना, आप कितने आहुति देंगे, मान लीजिए आप 28 आहुति आप दे सकते हैं, कम से कम 8 आहुति देना चाहिए, वैसे तो आप 28 भी दे सकते हैं। कई घरों की ये परंपरा होती है कि वहाँ पर 10 आहुति दिए जाते हैं, तो आप जो है 8 आहुति दे सकते हैं, आप जो है 28 आहुति दे सकते हैं, 18 बार भी दिए जा सकते हैं, 28 दे सकते हैं। 108 धूप हवन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, धूप हवन में 108 बार आहुति आदि देना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कम से कम 28 बार, मतलब ज़्यादा ही मैं 28 बार कहूँगा आपसे कि अब ज़्यादा के तौर पर अगर कर रहे हैं तो आप 28 बार ही दीजिए, आप 8 बार, 10 बार, 12 बार, 18 बार या 28 बार, ये 5 की याद रखिए, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 18 बार या 28 बार जो है इस संख्या में जो है आप आहुति दीजिए दोस्तों। पुष्प भी अगर आप ले रहे हैं तो आप 8 की संख्या में ले सकते हैं, आप 10 की संख्या में ले सकते हैं, 12 की संख्या में आहुति के तौर पर दे सकते हैं। सामग्री के बाद ही जो है आपको पुष्प आहुति देना है। आप पहले ही, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि बेलपत्र पहले ही आहुति दे देते हैं, धूप हवन हो या फिर अगर हवन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। आपको जो है सर्वप्रथम आपको घृत देना चाहिए, उसके बाद सामग्री, केवल घृत प्रथम जो होता है वो घृत दिया जाता है अग्निदेव के सम्मान में जो है ना, प्रथम जो है वो घृत दिया जाता है, कम से कम 3 बार जो है, 7 बार भी आप दे सकते हैं, पर 3 बार जो है कम से कम दिया जाता है, और उसके बाद जो है सामग्री का आहुति होता है, उसके बाद जो है पुष्प आदि का आहुति प्रदान किए जाते हैं, और उसके बाद संपूर्ण जब आप कर रहे हैं तो कई जगह पर जैसे कि बताशा आदि चढ़ाई जाती है या फिर शहद भी केवल मात्र आप जो है अर्पण कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है आपको माता सरस्वती के धूप हवन जो कार्य है, धूप हवन आहुति जो है उसके सामग्री और विधि जो है वो पालन करना है बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस बारे में अगर आप लोगों का सवाल या फिर आप लोगों के कोई अलग नियम आदि है या फिर आप लोग ऐसी कोई विधि पालन करते हैं ऑलरेडी, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।